मैं श्री आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द मल्टी श्री में। आज हम लोग एक डेजर्ट बनाएंगे जिसका नाम है शकरकंद के गुलाब जामुन। अभी शकरकंद का सीज़न शुरू हो गया है, बहुत ही आसानी से मार्केट में शकरकंद अवेलेबल हो रहे हैं, उन्हें लाइए। और हमेशा शकरकंद खरीदते वक्त हम सोचते हैं कि शकरकंद के क्या बनाया जाए, इसीलिए बच्चों को घर में सभी को आसानी से आप ये शकरकंद गुलाब जामुन बनाकर खिला सकते हैं। उन्हें बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा। अगर मेरे रेसिपीज़ आपको अच्छे लग रहे हैं उन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देख लेते हैं आज का रेसिपी। आज हम लोग बनाएंगे शकरकंद के गुलाब जामुन। जी हाँ, शकरकंद। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये गुलाब जामुन, कितने ही सॉफ्ट बने हैं, अंदर तक रस सोक हो गया है। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और टेस्टी होते हैं ये खाने में। बचपन में हमें ये बहुत पसंद था और मेरी छोटी बुआ हमेशा बनाकर हमें खिलाती थी। शकरकंद खिलाने का उन्हें एक अच्छा बहाना मिल जाता था। शकरकंद के गुलाब जामुन बनाने के लिए 350 ग्राम शकरकंद मैंने लिया है, उसको छील के मैंने उबाल लिया है। अब इसमें हम 3 से 4 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच मैदा इसमें डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच घी। इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। शकरकंद को उबालते वक्त उसकी कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना होगा। उसे अगर ज़्यादा उबाल देंगे तो ये चिपचिपा बन जाएगा और बाइंड नहीं कर पाएंगे हम इसे। और अगर हम इसे अच्छी तरह से नहीं उबालेंगे तो हम इसे स्मैश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि हमें जब स्मैश पोटैटो बनाते हैं उसी तरह की कंसिस्टेंसी इसमें रखना है, जैसे कि हम अच्छी तरह से इसे स्मैश कर सकें और इसको बाइंड कर सकें। शकरकंद के जो ये बड़े बड़े दाने रह जाते हैं इसको अच्छी तरह से हमें मिलाना पड़ेगा, नहीं तो बाइंड करते वक्त हमें तकलीफ होगी, ये अच्छी तरह से हम इसको शेप नहीं दे पाएंगे। हमने 1 टीस्पून मैदा का इस्तेमाल किया था। अगर आप डो बनाते वक्त आपको लगे कि ये ज़्यादा चिपचिपा हो गया है तो इसमें और 1 चम्मच आप मैदा डालिए। हमें ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है, बस मैदे को हम बाइंडिंग कंसिस्टेंसी लाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से आप 1 से 2 चम्मच मैदे से ये पूरा बाइंड हो जाता है। अब हमारा मिक्सचर रेडी है, अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने 600 ml पानी लिया है, 400 ग्राम चीनी लिया है। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो 1:1 रेशियो में आप चीनी और पानी का इस्तेमाल कीजिए। इसमें थोड़ा सा पानी में मैंने पहले से केसर के थोड़े स्ट्रिंग्स को भिगो कर रखा है, जिसके कारण चाशनी में थोड़ा सा रंग और फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। चाशनी को मीडियम फ्लेम पर बिठाएं। अब गुलाब जामुन को शेप देंगे। हाथ में थोड़ा सा घी लगा लीजिए, फिर डो को थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर जिस साइज़ में आपको गुलाब जामुन बनाने हैं उसी साइज़ में आप बॉल्स बनाइए। ध्यान रखिए ये जब चाशनी में हम गुलाब जामुन को डालेंगे तब ये चाशनी सोक करके थोड़ा सा फूल जाएगा। स्मूथ सा बॉल बना लीजिए। आप अगर चाहें तो सिलिंड्रिकल शेप में भी इसे बना सकते हैं। देखिए मैं एक राउंड शेप का गुलाब जामुन बना लिया है, इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। चाशनी उबल रही है, अब इस स्टेज में हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। 1 सेट गुलाब जामुन हमने तैयार कर लिया है, अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। चाशनी को मैं दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लूँगी और यहाँ पे डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई बिठाऊँगी। डीप फ्राई करने के लिए यहाँ पे हम उतना तेल ले लेंगे। ये जो गुलाब जामुन होते हैं ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं, इसीलिए 1 सेट हमें बनाना पड़ेगा और उसे तुरंत ही हमें तलना पड़ेगा, फिर दूसरा सेट बनाएंगे फिर तलेंगे, इसी तरह से हमें करना है। अगर ज़्यादा देर तक हम इन्हें रख लेंगे तो ये चपटे से बन जाएंगे, इसीलिए हमें 1 सेट बनाना पड़ेगा, 1 सेट तलना पड़ेगा। अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें गुलाब जामुन डाल लेंगे और इन्हें कुछ सेकेंड्स में टर्न करेंगे, नहीं तो ये नीचे बैठ जाएंगे और चपटे बन जाएंगे, इसलिए एक एक डालिए और टर्न करते रहिए।
दूसरे साइड पर चाशनी रेडी है, गाढ़ी बनी है, जितना हमें चाहिए गुलाब जामुन चाशनी शो कर सके उसी हिसाब से हमारी चाशनी की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए चारों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बस इन्हें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है हमें। पहले से ही शकरकंद को हमने उबाल लिया है, तो बस गुलाब जामुन का कलर जैसा होता है वैसा कलर अगर आ जाए तो इन्हें निकाल लें। देखिए इनका कलर एकदम परफेक्ट आया है। इसी तरह से सारे हम गुलाब जामुन डीप फ्राई कर लेंगे। चाशनी अच्छी तरह से उबल चुकी है, अब हम इसे थोड़े से हाथ में लेकर चेक करेंगे। अगर ये मोटे तेल की तरह कंसिस्टेंसी लग रहा है तो ये बिल्कुल रेडी है। चाशनी को अब हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। चाशनी हमारी थोड़ी ठंडी हो गई है, अब हम हमारे गुलाब जामुन इसमें डालेंगे और एटलीस्ट 30 मिनट तक इसको ऐसे ही ढककर रख लेंगे, जिस तरह से गुलाब जामुन चाशनी सोख कर लें, फिर हम इन्हें सर्व कर सकते हैं।